एक गांव में दो साधु रहते थे। उन्हें दुनिया की बनावटी चीजों से कोई मोह नहीं था। वे दिन भर भीख मांगते थे और जो समय बचता वह मंदिर में पूजा करते हुए गुजारते। यही उनकी दिनचर्या थी। एक गांव से दूसरे गांव जाकर भीख मांगना और अपना पेट भरना। अगर आते समय उन्हें ज्यादा देर होती थी तो उसी गांव के मंदिर में रुक जाते थे। बाकी समय में वह गांव के मंदिरों में रहकर गांव वालों के साथ पूजा और कीर्तन करते थे। उन्हें ज्यादा लालच नहीं था, जितना मिलता था वे उसमें ही संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोरों से बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। आंधी तूफान के कारण वह दो दिन किसी अन्य गांव में रुके हुए थे। जब दो दिन बाद एक साधु वापस पहुंचा, तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठता है और बुदबुदाने लगता है। भगवान, तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी ही झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की ही झोपड़ी तूने तोड़ी। ये तेरा ही काम है, हम तेरा नाम जपते हैं, पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी थोड़ी देर बाद दूसरा साधु वहाँ पहुँचा और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान, आज विश्वास हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूँगा। तेरा मुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। तेरी जय हो। यह सुनकर पहला साधु क्रोधित हुआ और बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी आधी झोपड़ी आंधी में टूट गई और तुम इस बात पर प्रसन्न हो रहे हो? कितना नुकसान हो गया है यह दिखाई नहीं दे रहा? इस पर दूसरा साधु बोला, आंधी में जो आधी झोपड़ी बची है, अगर वह भी नहीं बचती तो हम कहाँ जाते? पहला साधु बहुत क्रोधित था और वहाँ बैठकर दूसरे साधु को भी कोसने लगा कि वह कितना मूर्ख है जो इतनी सी बात भी समझ नहीं पा रहा कि अब उनका क्या होगा और वह कहाँ रहेंगे। इसके विपरीत दूसरा साधु लकड़ी जमा करके बची हुई झोपड़ी को फिर से सही करने का प्रयास करने लगा और पहले साधु से बोला, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हम अपने सारे नए विचारों पर प्रतिबंध लगा देंगे और हमारे साथ जो अच्छा हुआ है उसकी सराहना भी नहीं कर पाएंगे। इतना बोलकर वह टूटी हुई झोपड़ी को सही करने लगा। शिक्षा: एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखेगी। हम सुधारने की बजाय अपनी परिस्थिति को कोसते रहेंगे और बुरा भला कहेंगे। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि किस प्रकार अनुकूल परिस्थिति से बाहर निकला जा सके। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।